नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करूंगा। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप अपना बैंक अकाउंट और अपना पासपोर्ट कैसे ईपीएफओ से लिंक कर सकते हैं। बिल्कुल ऑनलाइन प्रोसेस है, आपको इसके लिए कहीं नहीं जाना है। तो सबसे पहले गूगल ओपन करेंगे और टाइप करेंगे ईपीएफओ। और आपको डैशबोर्ड कुछ ऐसा दिखेगा, आपको यहाँ साइड में क्लिक करना है केवाईसी अपडेशन मेंबर। क्लिक करेंगे तो एक नया टैब खुलेगा और इस टैब में हमें अपना यूएएन नंबर डाल के और पासवर्ड डाल के साइन इन करना है। तो साइन इन कर लेते हैं पहले। साइन इन करने के बाद आपको डैशबोर्ड कुछ ऐसा दिखेगा और हम यहां से जाएंगे मैनेज सेक्शन पे और इस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद केवाईसी पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ से आप अपना हर डॉक्यूमेंट जो है वो अपडेट कर सकते हैं, जैसे बैंक, पैन, आधार, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, इलेक्शन कार्ड, राशन कार्ड। तो हमें बैंक और पासपोर्ट अपडेट करना है तो हम इस बैंक वाले सेक्शन पे टिक करेंगे और इस पासपोर्ट वाले सेक्शन पे टिक करेंगे। टिक करने के बाद हम सबसे पहले बैंक अकाउंट नंबर डालेंगे और बैंक के अकाउंट में जैसा कि हमारा नाम है एग्जैक्ट वही नेम यहाँ डालेंगे और पासपोर्ट नंबर डालेंगे और उसके बाद पासपोर्ट पे जो नाम है वो डालेंगे। और ये जो बैंक का IFSC कोड है ये आपको पासबुक पे मिल जाएगा, पासबुक पे लिखा हुआ होता है। तो एक चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा दोस्तों कि आपके बैंक में और आपके पासपोर्ट में जो भी डॉक्यूमेंट आप अपडेट कर रहे हैं उस डॉक्यूमेंट में जो आपका नाम है और जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो सेम टू सेम मैच होना चाहिए ईपीएफओ रिकॉर्ड से। जैसे कि ईपीएफओ में जो आपने नेम और डेट ऑफ बर्थ दिया है और बैंक में जो आपने नेम और आपका डेट ऑफ बर्थ है वो सेम टू सेम मैच होना चाहिए, वरना ये एक्सेप्ट नहीं होगा। ठीक है, तो पहले आपको सुधारना पड़ेगा कोई एक डॉक्यूमेंट, उसके बाद ही आप अपडेट कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा और अगर आपको मेरे वीडियो ठीक ठाक लगते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।